आज हमारे सामने जो नजारा है उससे जो मैं समझ रहा हूँ शायद वही आप लोग भी समझ रहे होंगे। उसके बावजूद भी आप लोगों को खुलकर बताना है, वो ये है कि जो बांध का काम किया गया था वो इतना कमजोर था कि पिछले दिन आए हुए सुनामी में सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है, वो ये है कि उसके बाद सरकारी खजाने से जो पैसा पास हुआ वो कहाँ गया, उस पैसे का उपयोग क्यों नहीं हुआ, फिर से वही रास्ता गिर रहा है, इमारतें अब तक क्यों नहीं बनी, लेकिन आम इंसान की मेहनत से बनाई हुई छोटी छोटी इमारतें अभी भी खड़ी हुई हैं, तो फिर सरकार की बनाई हुई चीज क्यों नहीं रुकती। मैं एक मामूली इंसान हूँ, मैं कोई राजनेता या बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस देश का नागरिक होने के नाते इस देश की मिट्टी के लिए कहना मेरा फर्ज है। केरला बहुत तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है, बड़े बड़े बिल्डर लोग इस काम को अंजाम देने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी के साथ हमें ये भी ध्यान देना होगा कि गांव खेड़ा इलाका बस से बदतर है, इसलिए हम शहर के डेवलपमेंट को पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं मान सकते। जरा सोचिए, हमारा आना बेकार नहीं गया, एक बढ़िया वॉच मिल गई। वॉच को हाथ में पहनना काफी नहीं है, इसके चलने के मुताबिक ही तुम्हें चलना होगा, ये वक्त की मांग है। जी हाँ, अब तो कोचिन में मेरी ड्यूटी लगी हुई है ना, अब तो ऑफिस में भी जाने के लिए टाइम नहीं है, हम लोग सीधा कलेक्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, ठीक है? ट्रैफिक जैम में हम लोग 12 बजे तक कलेक्टर ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे। सही कहा था उस टीचर ने, ये खोखली सरकार को पब्लिक की पड़ी नहीं है, रोज की ये परेशानी दूर करने के लिए सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती। हाँ। जॉर्ज भैया हाँ। चाय लाना। ओके। महोदय, इसे बिना पते की चिट्ठी समझकर फाड़कर रद्दी में मत फेंकिएगा, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। ये चिट्ठी एर्नाकुलम के कलेक्टर फिरोज मोबिन के मर्डर के सिलसिले में है। न्यू केरला का सपना देखने वाले कलेक्टर फिरोज मोबिन के पिछले साल दिसंबर 29 को खून हुआ था। केरला पुलिस और CBI लाख कोशिशों के बावजूद भी खूनी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिरोज मोबिन का खून कैसे हुआ था ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसके पीछे किसका हाथ है वो भी मैं जानता हूं। मैं एक चश्मदीद गवाह हूं, सब कुछ मेरे आंखों के सामने ही हुआ था। वो लोग बहुत ऊंची पहुंच रखते हैं, फिर भी उन्हें सजा दिलवाने के लिए मेरे पास सारे सबूत है। इसके बावजूद मुझे डर लगता है, सिर्फ उन लोगों से नहीं लेकिन यहाँ के पुलिस कानून और सरकार से। वो इसलिए कि अगर मैं सारे सबूतों के साथ खुलेआम सामने आ गया तो मुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन गुनाहगारों को कोई सजा दिला पाएगी या नहीं इसका भी मुझे यकीन नहीं, इसलिए मुझ जैसे आम आदमी के लिए क्या उपाय है आप ही बताइए। अर्जुन, मैडम आपकी चाय। हाँ? हाँ? सर सी दिस, मैंने कहा था ना इसमें लिखा हुआ डेट्स इंसिडेंट सब बिल्कुल एक्यूरेट है सर। ठीक है, ये जो अर्जुन है फिरोज मोमिन मर्डर केस का चश्मदीद गवाह है, चलो मान लेते हैं, लेकिन इस घटना को 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ये इंसान कहाँ पे था, अभी इस वक्त चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है? मतलब है सर, ये देखिए,
पिछले बुधवार को सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए केस को बंद कर दिया है। हाँ तो भले ही सबूतों को दबा दिया गया हो, लेकिन इस केस में कोई ना कोई बात जरूर है, इसलिए इतने दिनों से वो चुप था। उसकी बातों में सच्चाई है सर। एक सीटी होते ही कुकर बंद कर देना, मैं नहाने जा रही हूँ, 8 बजे मुझे स्कूल पहुंचना है। ए प्रेसे सईद भाई का फोन है। हेलो, तुम टीवी चालू करके जरा ब्रेकिंग न्यूज देखो। जरा रिमोट देना। ये मातृभूमि, आप देख रहे हैं गर्म हवा। आज की गर्म हवा ये है, अर्जुन की लिखी हुई वो चिट्ठी सारी शहर को गर्म कर चुकी है। अब देखना ये है, ये चिट्ठी मुजरिमों को सजा दिलाती है या कचरे के डिब्बे में जाती है। ये चिट्ठी तो मंगलोर से ही पोस्ट हुई है, लेकिन ये हो सकता है कि जो अर्जुन नाम लिखा है वो झूठा हो। Maybe. ये चिट्ठी कब आई थी सर? पिन कोड ट्रेस करने की हम लोगों ने बहुत कोशिश की, बट नो यूज। ठीक है, क्लियर ना होने की वजह से हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और कोई काम देखा जाए तो नामुमकिन है। एक बात बोलूं सर, आप ज्यादा सरदर्द मत पालिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। आगे अगर आपको कुछ पता चलता है तो मुझे जरूर बताइएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। थैंक यू सर। ओके। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग अंजलि मेनन। जी सर। हाँ, मैं डॉक्टर मोमिन, फिरोज मोमिन का फादर। मैं जानती हूँ सर। बेटी बात यह है, इस पेपर को पढ़ने के बाद सच्चाई जानने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। सॉरी सर, इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, इसलिए हमारे कल के पेपर में इसके बारे में क्लैरिफिकेशन है। तुम लोगों की गलती की सफाई सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैंने अपना इकलौता बेटा खोया है, मेरे बेटे के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए सभी दरवाजे खटखटाए, कोई दरवाजा नहीं छोड़ा, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। यू नो डैट, आई एम सॉरी। सर आप क्या चाहते हैं? पुलिस और सीबीआई ने हाथ उठा दिए, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। जिन लोगों ने मेरे बेटी की जान ली उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो जो कोई भी हो। मैं इतना भी नहीं कर सका, मेरा जीने का क्या फायदा? फिरोज की मौत का गवाह कहीं ना कहीं यकीनन जिंदा है। इस खत को किसने लिखा यह जानने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिरोज मोमिन के मर्डर केस के सिलसिले में जो अहम गवाह है वो अब तक सामने नहीं आया है न्यूज 9 में, वही हमारी आज चर्चा का विषय है। इस चर्चा में आज फिरोज के पिता और प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट इब्राहिम और रिपोर्टर अंजलि इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अंजलि, ये अर्जुन कौन है? होगा
एक नया सवेरा, फैलेगा नया उजाला, विश्वास नहीं कम होगा, एहसास नहीं कम होगा, एक न एक दिन लेकर आएगा एक नया जहां। अर्जुन में साक्षी, अर्जुन में साक्षी। अर्जुन साक्षी। हेलो सी, इस तरह का टॉर्चर करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। डू यू गेट दैट? अर्जुन कौन है मैं नहीं जानती, तुम्हें जानना है तो खुद ही ढूंढ लो। नॉनसेंस। एक घंटा पहले 5-6 आदमी गाड़ी में आए थे, सब कुछ तोड़ फोड़ के चले गए। चीख पुकार सुनकर हम लोग यहाँ पर आए। कौन कौन थे वो लोग? मम्मी, घबराने की कोई बात नहीं, मम्मी सिर्फ डरी हुई है। बेटा कौन है वो लोग, क्यों तुम्हारे पीछे पड़े? मैं नहीं जानती मम्मी, मनोज अभी तक नहीं आया कॉलेज से। पुलिस स्टेशन फोन कर दिया है, इंस्पेक्टर अभी आते ही होंगे। बेटा हेलो, इसके पहले मैंने तुम्हें कई बार फोन किया है, याद है ना? तुम लोग मेरे घर पर क्यों आए? मुझे अर्जुन चाहिए, ये बात मैंने तुम्हें कई बार कही है, पत्रकार और पुलिस के सामने हमें वो चाहिए। देखो मैं सच कह रही हूँ, मैं अर्जुन को नहीं जानती। एक मौका और देता हूँ, कल सुबह 10 बजे मेस रेस्टोरेंट में हाजिर होना चाहिए, टेबल नंबर 7 उसके लिए रिजर्व रहेगा, उसका चेहरा देखने के बाद हमारी तुम्हारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। प्लीज मेरी बातों का यकीन करो। अगर कल वो नहीं आया तो शाम को तुम अपने घर में अपनी माँ की लाश देखोगी। मेस रेस्टोरेंट, टेबल नंबर 7, याद रखना। हेलो हेलो, वन थिंग इज क्लियर, ये जो अर्जुन है वो कोई पागल नहीं है, ऐसा एक इंसान है, क्या कहते हो सेबेस्टियन? यस सर, वरना वो लोग अंजलि के घर पर ऐसे ही अटैक क्यों करते सर? पिछले साल इसने ज्वाइन किया था, तभी इसने एक कॉलम तैयार किया था, एक लड़की होने के नाते वो लोग इसको डराएंगे, डर जाएगी, यही वो लोग सोच रहे हैं शायद। जो भी हो, फिरोज मोमिन मर्डर के पीछे जो लोग हैं ना, वही लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, ये बात पक्की है, इसलिए अर्जुन नाम के आदमी को किसी से डरने की क्या जरूरत है? सर इसी बात को लेकर मेरे मोबाइल फोन पर कई बार कॉल्स आए हैं, हर बार अलग अलग नंबर के, सारे सिम गलत पते से लिए गए। यू डोंट वरी, वो 10 बजे रेस्टोरेंट में आ रहा है, उसने ऐसे ही कहा ना? जी हाँ। सेबेस्टियन तुम वहां पे रहोगे पूरी फोर्स के साथ, इस मौके को गंवाना नहीं है तुम्हें, ओके? यस सर। Thank you.
हेलो सर, सर यहाँ बहुत लोग हैं, वेयर आर यू? मैं तो बस बाहर ही खड़ा हूँ, और जो लोग कॉर्नर के टेबल पर बैठे हैं सब पुलिस वाले ही हैं। अंजलि के पास जो भी दिखे उस पर कड़ी नजर रखो, देन वी कैन गेट देम। बोलो क्या बात है? हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में से वहां पर कोई नहीं है, सब अंडर कंट्रोल में है। मेरा शक तो कुछ और है, बिना कोई सबूत के वो लड़की इतना सब कुछ क्यों कर रही है? आज हम सबको यहाँ देखकर अर्जुन यहाँ आएगा क्या? Excuse me. Would you mind if I sit here? I mean, are you expecting someone? और कोई जगह खाली नहीं है? Oh, thank you. Your coffee, sir. Yeah, thank you. Thank you. Sugar. Hello. Hi, good morning. या श्योर, आप बुलाएं और हम ना आए? थैंक यू। या सिया, मुझे लगता है यही है वो। What? रॉय मैथ्यू, मेरा जन्म और पढ़ाई लिखाई हुई मुंबई में, पिताजी रेलवे में थे, कॉलेज फ्रॉम दिल्ली, बैचलर इन आर्किटेक्चर फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर, उसके बाद जॉब, पहले जॉब बैंगलोर, फिर दुबई, उसके बाद कलकत्ता, फिर मैंगलोर, अब यहाँ। तुम मेट्रो सिटी छोड़कर कुची क्यों आए? कुची में तुम्हें क्या अच्छा लगा? सबसे पहली बात, अच्छी सैलरी, यही एक वजह है मैं यहाँ पर जॉब के लिए आया हूँ। इसके अलावा आपके इस प्रोजेक्ट में काम करने से मुझे 2 साल तक केरला में रहने का मौका मिल जाएगा। एक्चुअली इससे पहले जब मैं केरला आया था तो अपने स्कूल की छुट्टियाँ बिताने के लिए आया था, वो भी 1-2 हफ्ते के लिए घूमने के लिए आया था, वेरी शॉर्ट ट्रिप्स। आपके पेरेंट्स यहीं हैं क्या? मम्मी डैडी सिस्टर के साथ यूएस में है, यहाँ पर मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। ओके, तो फिर तुम हम लोगों के साथ कब ज्वाइन कर रहे हो? नेक्स्ट मंडे, इफ दैट्स ओके फॉर यू। दैट्स फाइन, वेलकम यंग मैन, वेरी गुड आइडिया। थैंक यू सर। मस्ती लुटाओ जी, आओ मेरी धुन पे तुम भी धूम मचाओ जी, सारा दिन। Let's dance.
हम लोगों को बढ़िया कवरेज देना। केरला में ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। रॉय, ये है केपी नंबूदरी, चीफ एडिटर मातृभूमि। ओह, आई एम सॉरी, मुझे पेपर पढ़ने का कोई शौक नहीं। नाइस टू मीट यू सर। जॉनी, क्या बात है, तू कहाँ था यार? मैं यही हूँ, मैं इस क्लब का मेंबर भी हूँ यार। ओ अच्छा, कुछ लेगा तू? नो 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 नो, थैंक यू। अरे तू कितना बदल गया है यार। सॉरी, दैट्स माय लाइफस्टाइल। चल इधर आ। We met again. You remember me? हम लोग कॉफी शॉप में मिले थे। रॉय मैथ्यू, आर्किटेक्चर। अंजलि मेनन, मातृभूमि। ओह, एक्चुअली आज मेरा हे हे, आई विल सी यू लेटर। एक क्या बक रहे हो? अबे साले, ये होटल बनाने के लिए तेरे मालिक को मैंने परमिशन दिलवाई थी। रैस्कल, तू मुझे दारू के लिए मना कर रहा है? कौन है ये पागल? कलेक्टर का प्यून है, उसका कहना है कि कलेक्टर से परमिशन लेटर उसने ही दिलाया है। सब है यहाँ अपनी ही धुन में खोए खोए, आई है रात मस्ती भरी, सती नजर न जाने किसे ढूंढे यहाँ, है जुड़ रहा दिलों की कड़ी, ढूंढे यहाँ वहाँ सबकी नजर, हस्ती की रात है मस्ती लुटाओ जी, आओ मेरी धुन पे तुम भी धूम मचाओ जी, तारारम लेट्स डांस, तारारम कर ले रोमांस, अरे करता हूँ जो तुम भी वो करो। Watch you, man. यार जॉनी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुंबई, कलकत्ता, दुबई कुछ भी नहीं, ये है गांव, हमारा अपना गांव। देखते हैं एक साल बाद तू और क्या कहता है। वो सब छोड़, अंकल आंटी अमेरिका से कब आ रहे हैं? वो उन्हें आने में टाइम लगेगा। दीदी चाहती हैं कि उनके बच्चों को अमेरिकन सिटीजनशिप मिले। दीदी की ये दिली ख्वाहिश है, इसलिए दीदी के बच्चे की डिलीवरी अमेरिका में होनी चाहिए। ओह, इसलिए वो बच्चे की डिलीवरी के बाद ही आएंगी। हाँ, ये बात है। अरे ये MG रोड है ना? तू भूल गया क्या? भूला नहीं, पूछ रहा हूँ। वो क्या है ना, जब मैं एक साल पहले यहाँ पर आया था ना, सारे रोडों में एकदम बड़े बड़े खड्डे थे। खड्डे में रोड था या रोड में खड्डे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। क्या मतलब? अरे यार, इतना सुधार कैसे हो गया ये बता। अच्छा, ऐसा क्या? वो यहाँ इससे पहले एक चोर कलेक्टर था, उसकी मेहरबानी, उसके मरने के बाद सब अपने आप ठीक होते चला गया। वेरी बैड, जब सरकार ही ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। कौन था बेचारा कलेक्टर? फिरोज मोमिन।
ओके जॉनी गुड नाइट। इस हालत में तो अकेले नहीं जा सकता, मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। इसलिए मैं 20 माला चढ़कर जा सकता हूँ, तुझे देखना है तो फिर मैं देख के जाऊंगा। नमस्ते साहब। सलमान तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं हुआ सर, अभी 11:30 बजे स्विमिंग पूल का पानी चेंज करना है सर। ये बात है जॉनी, तू इसे देखकर कुछ सीख। अच्छा? पूरे दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है और रात में यहाँ पे। मैंगलोर से तू आज सुबह ही पहुँचा ना, इतनी जल्दी दोस्ती भी हो गई। बेटा इसको ले जाके ऊपर छोड़ देना, नहीं तो फ्लैट भूल जाएगा। चल मैं चलता हूँ। यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है, सब खा पी कर लुढ़क गए क्या? टाइम हो गया ना सर। ओ 15C डॉक्टर राजगोपाल, मुझे डॉक्टर से बात करनी है अभी। सुबह मिल लेना। हाँ सुबह वो मिलेंगे क्या? मिलेंगे सर। तुम कहते हो तो ठीक है, मैं कल मिल लूंगा। हाँ ये है 15B, ये फ्लैट मुझे कंपनी की ओर से मिला हुआ है। इसकी बेल बजाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं बेल बजाता हूँ। कोई आवाज नहीं आ रही है, लगता है फ्लैट अंदर से लॉक हो गया है। आप इंतजार करो साहब, मैं अभी चाबी लेके आता हूँ। गुड मॉर्निंग रॉय, आप कैसे हो तुम? बेहोशी की हालत में एडमिट किया गया था, तुम पूरी तरह होश में आ जाओ इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। मुझ पर हमला किसने किया? हम पता लगा रहे हैं, फिरोज मोमिन के कातिलों ने ही तुम्हारे घर पे घुस करके मौका देख के तुम पे हमला किया होगा। सारे सबूत हासिल करने के लिए तुम्हारी जान बचाने वाला वो बिहारी लड़का है, उस लड़के का तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसकी चतुराई से जान बच पाई। सच बताऊं तो कल तुम्हें हम उस कॉफी शॉप में देखने के बाद, तुम पर हमारी नजर बराबर है, तुम्हें फॉलो करने के बाद भी हमने तुम्हें कस्टडी में लिया, ये भी बात सच है, लेकिन सबूत के तौर पर वहां पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला। ये लो खुद देख सकते हो। रॉय तुम्हें एडमिट करने के बाद इस हॉस्पिटल से कनेक्शन रखने वाले एक प्राइवेट चैनल ने सबसे पहले इस बात को लीक किया, उसके बाद फिर सब जगह न्यूज पहुंच गई ना। ये आप गलत समझ बैठे, अर्जुन के नाम से वो चिट्ठी लिखने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो वो रेस्टोरेंट में सिर्फ एक कॉफी पीने गया था, ट्रस्ट मी। मैंगलोर से ही ये लेटर पोस्ट किया गया था, पिछले एक साल से तुम वहीं पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो, है ना? हाँ, तो This is upset. इतना ही नहीं, फिरोज मोमिन का जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तुम कोच्ची में थे। रॉय पिछले दिसंबर 29 को हड़ताल के वक्त तुम्हारी गाड़ी को रोकते समय पार्टी वालों के साथ हाथापाई हुई, इसकी शिकायत तुमने वहां के पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी, सच है ना? सही है साहब, मुझे याद है, बिहार में एक नेता का मर्डर हो जाने से और मैं यहाँ पर गाड़ी नहीं चला सकता, ये कहाँ का इंसाफ है सर? तुम्हारी आवाज अर्जुन से लगभग मिलती जुलती है, रॉय मुझ पर भरोसा करो, उस दिन रात को तुमने वहाँ क्या देखा? फिरोज मोमिन के मर्डर में कौन कौन लोग शामिल थे? आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? कैन आई सी मे डॉक्टर, मुझे मेरा मेडिकल रिपोर्ट देखना है। ओके ओके, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा,
लेकिन हम तुमसे फिर मिलेंगे। पहले रॉय सोशल एक्टिविटी बहुत करता था, वो हर काम में एक्टिव था। हम लोग ने साथ में बहुत सारे चैरिटी वर्क करे। उसी तरह हम लोग जवाब नहीं हुआ साहब। लेटर तो आप ही के पास है ना सर। फिरोज मोमिन का खून किसने किया ये बताने से वो डरता क्यों है? कल जो अटैक हुआ क्या वो उसी की वजह से हुआ? हो सकता है, ज्यादा मैं भी नहीं जानता। सर मैं रॉय का क्लोज फ्रेंड हूँ, मुझे एक बार उससे मिलना है। क्लोज फ्रेंड? जी सर, 12th तक हमने साथ में पढ़ाई करी है। तुमने अपना नाम नहीं बताया? जॉनी लॉरेंस। जॉनी लॉरेंस, एक्सक्यूज मी प्लीज, तुम मेरे साथ आओ। क्या? तुमसे हमें कुछ खास सवाल पूछने हैं। सर मुझे रॉय से एक बार मिलना है। रॉय से बाद में मिल लेना, तुम अभी मेरे साथ चलो। सर मैं रॉय का एक फ्रेंड हूँ। इसीलिए तो तुम्हें चलने के लिए कह रहा हूँ। चलो ना। कल मैंने उसे रेस्टोरेंट में देखा था, मुझे लगा कि वो क्रिमिनल लोगों में से एक होगा, लेकिन वो उनमें नहीं था सर। मैंने कल कमिश्नर से बात की, वो भी रॉय मैथ्यू के ऊपर कोई एक्शन लेने नहीं जा रहे हैं। ही इज ए फ्री मैन। राज है, अगर देखा जाए सर तो मीडिया वाले उनको इस तरह आराम से रहने देंगे क्या? हर कोई अपना काम अपने ढंग से करता है, लेकिन जब तक कोर्ट में सच्चाई सामने नहीं आ जाती कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन मेरी नजर में सब कुछ एक खुली किताब की तरह है। लोग भले इस बात को भूल चुके हों, लेकिन अर्जुन ने उस इंसान को फिर से जिंदा किया है तो कुछ तो होगा उसके पास। फिरोज मोमिन को तुम नहीं जानती हो नारायण जी, वो एक अच्छे इंसान थे। उनके खूनियों को सजा दिलाने के लिए ये अर्जुन एक अहम कड़ी बन सकता है। ऐसा नहीं है, ये इस जंग की शुरुआत की पहली कड़ी है। नमस्कार। फिरोज मोमिन की मौत के एक साल बाद भी वो आज भी चर्चा में है, क्यों? इसका जवाब एक ही है, निस्वार्थ उनकी जनसेवा करना। 12 साल की सर्विस के दौरान भी उन्होंने बहुत से विकास कार्य किए जो सराहनीय है। त्रिवेंद्र मेट्रो सिटी और फ्लाई ओवर ब्रिज और सारे शहर की सूरत बदलने का उन्होंने जो कदम उठाया था वही इसकी वजह है। उनके किए हुए विकास कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा, भले ही वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसे अच्छे इंसान को हम भला कैसे भुला सकते हैं? 10 साल के बाद आप इस कोची को कैसा देखना चाहते हैं? मेरा सपना है ये हिंदुस्तान में 5वां शहर बन करके उभरे, ये मेरा सपना है। कोच्चि के बारे में, देश के 4 महानगरों के समान वो कोच्चि सिटी को भी 5वें महानगर के रूप में स्थापित करना चाहते थे। आई एम डॉक्टर मोमिन, न्यूरो सर्जन इस अस्पताल का। ओ हाय डॉक्टर, हाउ डू यू फील मिस्टर रॉय? आई एम बेटर, कल सुबह तक छुट्टी मिल जाएगी। गुड। देखो मिस्टर रॉय, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। ओ वो क्या डॉक्टर? बेटा शायद तुम नहीं जानते, फिरोज मेरा इकलौता बेटा था। आई एम सो सॉरी। अर्जुन के नाम से जो चिट्ठी लिखी थी मैं जानता हूं वो तुम हो। खूनी के खिलाफ गवाही देने से तुम जैसे नौजवान क्यों डरते हैं ये मैं समझ सकता हूं। डॉक्टर मैंने तो फिरोज मोमिन का नाम पहली बार सुना है, वो भी कल इस शहर में आने के बाद। सिविल सर्विस वाला कैरियर उसने अपना खुद चुना, वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, ईमानदारी से वह हर काम करना चाहता था। कोशिश भी कर रहा था, बिना किए चला गया, उसको किसी ने मार डाला। उसकी मौत में किसका हाथ है तू पुलिस को मत बता, किसी और को भी मत बता, लेकिन मुझे बता दे बेटा, तेरा नाम कहीं भी नहीं आएगा, मैं तुझसे वादा करता हूं। चाहे कोई भी हो फांसी पर चढ़ना ही पड़ेगा, वो मैं करके रहूंगा। मैंने बहुत कुछ सोचने के बाद एक और फैसला लिया हूं। कोर्ट कचहरी भर ले कुछ ना करे, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। कातिल कौन है? डॉक्टर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, मैं अर्जुन को नहीं जानता, मैं आपको कैसे समझाऊं?
ओके, सॉरी फॉर द ट्रबल। कल तुम यहां से जाने के बाद अपनी जिंदगी आराम से जियो बेटा, सिर्फ अपने बारे में सोचना। रत्ती भर कभी तुम दूसरों का मत सोचना। किसी को दुख दर्द से तुम्हें क्या लेना देना, तभी तुम कामयाब रहोगे। सर। और हाँ, कल तुम्हारे परिवार वालों को अगर कुछ हो जाए तब तुम्हारी समझ में आएगा। गॉड ब्लेस यू माय सन, गॉड ब्लेस यू। कल जब तुम्हें एडमिट किया गया था तो ये सामान तुम्हारे साथ था। इसमें कुछ मिस है क्या? चेक करके देख लो। इसमें कितना पैसा था यार? नहीं यार। इस चार्ज लिस्ट काउंटर में दे देना, पेमेंट बता देंगे। ओके, मैं भर दूंगा, थैंक यू। वो पुलिस वाले ने जाने कितने सारे मुझसे सवाल करे, मुझे शक होने लगा कहीं तू ही तो अर्जुन नहीं। हंस क्यों रहे? अगर मैं अर्जुन होता तो मैं डॉक्टर की जरूर मदद करता। वो किससे डर रहा है? क्या कहा? कुछ नहीं, तू जाकर बिल भर दे, पर्स में क्रेडिट कार्ड है। वो मैं देख लूंगा। हाँ, एक बात कहना भूल गया, अमेरिका से अंकल का फोन आया था, यहाँ का लफड़ा उन्हें पता चल गया और वो डरे हुए हैं। उन्हें मैं समझा दूंगा, तुम जाओ। ओके। हेलो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। हेलो। बाहर पुलिस और पत्रकार हैं, किसी से कोई बात मत करना। यहाँ से निकलने के बाद तुम्हारे पास जो सबूत है उसका क्या करना है मैं बताऊंगा, उसी तरह करना। उसके बाद तुम्हें यह शहर छोड़ना होगा। जिंदा रहने के लिए तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ, वो दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं